सकत कार सिफत तुम्हारी आप ले हो तम कथा सुधारी आप ले हो तम कथा सुधारी सब ते उत्तम हर की कथा सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा उत्तम कथा सुनी जय श्रमनी मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाइये सुख विश्राम पाइये सुख विश्राम गुरगद्दी गुर सिंघासन ये मेरे सतगुरु आपू नहीं बनाया ना ये गुरु ग्रंथ साहब आपू बनाए ना ऐसे गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरगद्दी आपू बनाई ये ते तुरों ही सब कुछ प्रगट होया सतगुर नानक प्रगटिया ये तुर की बाणी आई उस करते पुरख दी रहमत वरतावन वाली ते तमाम लुकाई नू एक प्लेटफार्म ते इकट्ठिया करके सब नू इबादत बंदगी सिमरन धर्म सिखावन वाली अमृत बाणी शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चन कवलां विखे गुरुद्वारा श्री बंगला साहेब धन गुरु हरकृष्ण साहेब पातशाह जी की बख्शिश वाले इस पावन स्थान ते आके मस्तक झुका के नमस्कार करके परम पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के आप जी ने अमृत वेले तो अमृत बाणी का रस मान दिया अते टाइम टीवी चढ़दी कला राही दूर दुराडिया तक अज दे मीडिया युग राही आप जी जुड़ बैठे हैं इस वक्त गुरु शब्द का रस मानिए आओ साहेब दी असीस प्राप्त करिए बख्शिश रहमत भरी जिस नाल जिंदगी बदल जाती जिस फतेह दे उचारण करन नाल रसना तो रब्बी नाम भी निकलता जिस नाल गुरु दी असीस भी निकलती मेरे सतगुरु प्रसन्न हो जाते मेरा दाता रहमत का द्वार खोल देंदा आओ रहमत का द्वार खोलन वाली गुरु नाल गूढ़ा मिलाप कराउन वाली ते एक वक्ते ते श्रोते दी आपसी सांझ दी प्रतीक बनदी इस पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते प्यार विच भर के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
लड़ीवार तप्रसाद सवैये दे जो अमृत वेले दे नितनेम दे बोल ने उन्हां दी पिछले पांच दिनां तों लगातार अठ सवैयां दी विचार हो चुकी है। अज दे इस संपूर्णता दे इस दिन ते दो सवैयां दी विचार आप संतां नाल मैं सतगुरां दी असीस लैके आरंभ करनी है। ये गुरु बख्शिश करन अपनी बाणी पढ़न दा बाणी नू विचारन दा मेर परिया हथ रखन अते ओ पढ़ी बाणी ते विचारी बाणी सब तो पहला दास दे हिरदे विच उपरंत सारिया संगतां दे हिरदे विच ओ घर घर जाए आपू ना जीविए जिवें मेरे गुरु जीवाया तिवें जीविए आपे ना कोई धर्म दा राह अख्तियार करिए जेड़े राह ते मेरे गुरु चलाया उस राह ते चलिए आपू मन मतता दा कोई कदम ना उठे गुरमतीय बनिए। आओ मेरे गुरु ने सानू की समझाया गुरु ने केड़े राह पाया गुरु ने किवें जीना सिखाया गुरु ने किवें इस लोक विच ते परलोक विच अपनी सुरत नू किथे ले जाना सिखाया। आओ साहब दी असीस प्राप्त करिए एक बारी इस पावन सवैये दी विचार आरंभ करन तो पहला अपने भले लई अते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरियो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो साच कहूं सुन ले हो सब 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 जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। प्रभु पावन दा रस्ता की है अखां बंद कीतियां प्रभु नहीं मिलदा अखां बंद करनियां बहुत सौखियां ने पर अखां बंद करके मैं बेनती कर दियां पखंड ते हो सकदा है ओ बगले दी समाधि ते हो सकदी है ओ दूजे नू भुलेखा पौंदियां पौंदियां अपने आप नू भी बंदा भुलेखे विच लै जांदा है। शायद कोई समझे मैं अखां बंद कीतियां बड़ी खामोशी विच बैठा लोग धोखा खा जांदे ने पता नहीं समाधि लगी है ना ना बोले ना ही होए बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी बाहरों चुप है अंदरों मन बोलद बाहरों अखां बंद ने अंदरों मन तरह तरह के नक्शे पे देखद कहां पे हो की होया जो दो लोचन मूंद कै जे दोवें अखां मूंद के बंद करके बैठ रहे हो बैठा होया शरीर टिकिया होया हालत ए है बक ध्यान लगायो बगला भी ते छप्पड़ दे किनारे जिथे मछियां ते डड्डू ने उथे पानी विच एक लत चुक के बड़ी शांति ते खामोशी नाल खलो जांदा है चूंकि जे बगला खामोश होके खलोवे ना ते मच्छी ने नेड़े नहीं आना खलोगे इस दे शिकार ने नजदीक ता ही आना जे अखां बंद ते बैठा टिकाओ विच है पर इनिया अखां बंद नहीं भी मक्खी मच्छी दिसे ही ना ध्यान च रख लेना ओ समाधि है
ध्यान मच्छी वाल है, आ जाए मच्छी ते किधर गई समाधि ते किधर गई अखां दा बंद करना। हजूर कहन लगे लोगों नूं भरमाउण वास्ते कोई संसारी मनुख नूं अपने जाल विच फसाउण वास्ते ओ बगले वर्गी समाधि लाया, दुनिया दे बंदे ते फस जाणगे पर रब तेरे भुलेखे पाऊ, अखां बंद विच तेरे कोल नहीं आउणा। दसम पातशाह जी दा एक होर कथन है, आंख मीच को डिंब दिखावै, आंख मीच को डिंब दिखावै, अंदर की पदवी कह पावै, आंख मीच मग सूज ना जाई, ताहे अनंत मिला किम भाई। हजूर कहंदे ने अखां बंद करके डिंब दिखांदा, पखंड दिखांदा, भुलेखा पाउंदा। कहंदे ने अखां बंद कीतियां ते उस दी पदवी है अंधा, हां जिस नूं नजर ना आए, जिस दियां रब वल्लों अखां बंद होवन उह ते है अंदर, पर जो भुलेखा पा के अखां बंद करके बैठे उह गुरु दी नजर विच भी है अंदर। कहिंदे ने अंधे दी पदवी ते दे सकदे आ, भगत दी पदवी नहीं दे सकदे। कहन लगे अखां बंद कीतियां ते राह नहीं सुझदा, ध्यान च रख लैना। हां हजूर की कहंदे ने आंख मीच मग सूझ ना जाई, भला अखां बंद कीतियां होवे ते रस्ते दा तां नहीं पता चलदा भी किधर नूं जाना। ते जिहड़े बंदे ने अनंत परमात्मा तक पुजना ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਐ ਭਲਿਆ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਆਠ ਜਾਮ ਚੌਸਠ ਘਰੀ, ਤੋਏ ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਜੀਓ, ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਸਭ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਪੀਓ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਘੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, तेरे देखन दी सूक्ष्म दृष्टि चाहीदी है। तू ऐसा वेखना वेख, बारों बारों ही ना वेख, सब दे भीतर जाके वेख अंदर कला केड़ी वर्तदी, अंदर केड़ी शक्ति दे आधार ते तमाम ब्रह्मांड है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, चाहे चलते फिरदे उड़दे जीव जंतु ने, चाहे पत्थर ते पहाड़ जैसे एक थावें खलोते ने, जल थल बन पर्वत पताल, परमेश्वर तै बसें दयाल। तू अखां बंद करके की दिखना चाहता, अखां बंद ना कर, भुलेखा ना पा, अखां खोल ते अपने प्रीतम वाहिगुरु नूं वेख, ना अपने नाल धोखा कर ते ना किसी नाल धोखा कर। कहां भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, एक धर्म दे होर रस्ता लोगां अपनाया, नात फिरियो लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो, सत्ते समुंदरां ते नहांदा फिरदा। अखरी अर्थ है नात फिरियो लिए सात समुंदरन, सत्ते समुंदरां ते इशनान करदा फिरदा, लोक गयो पर लोक गवायो, लोक भी गवा लिया पर लोक भी गवाच गया। मैं बेनती कर लगा ध्यान च रखियो, धर्म दी दुनिया ते चलन वाले अखौती कर्म कांड विच फसे लोग जदों तीर्थां ते इशनान करन जांदे ने, ध्यान च रखियो ओ समुंदर विच नहीं जांदे। ते हजूर कहंदे ने नात फिरियो लिए सात समुंदर, ओ ते तीर्थां ते जांदे ने, पर कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने बड़ी भावपूरत ते सिद्धांतक गल कीती है, हिंदू धर्म दे विच सत तीर्थां नूं सत समुंदर करके मन्निया गया। उन्हें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, बिपासा, सतद्रव ते नर्मदा नदी, ध्यान च रख लेना। बिपासा जिन्हों असी व्यासा कहिंदे आ, सतद्रव जिन्हों असी सतलुज कहिंदे आ, इन्हां सत प्रमुख नदियां नूं जो समुंदर समान समझदे ने भी साडे वास्ते इस तों वड्डा होर कोई समुंदर नहीं, साडे वास्ते गंगा ही समुंदर, साडे वास्ते यमुना ही समुंदर। जिहड़े इन्हां प्रमुख सत समुंदर रूपी नदियां ते इशनान करदे फिरदे ने, हजूर कहन लगे लोक गयो, लोक गयो की भला, जिहड़ा बंदा नियम बना लै भी मैं इन्हां सत्ते नदियां ते इशनान करना ही करना है,
ਉਹ ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਸਰਸਵਤਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਪਾਸਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੰਜ ਇੰਨਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਾ ਲੈਣੀ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੇਟਤ, ਧਰਮ ਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਲਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੰਤਾਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਐਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਈਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਪਾਸਾ ਸਤਦਰਵ ਨਰਮਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਗਇਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਵਾਸ ਕੀਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸ ਸੋ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ। ਵਾਸ ਕੀਓ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੂਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਖਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਸ ਰੋਜ਼ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਅਵਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੇ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ, ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ, ਮਨਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾਵੋਂ ਭੂਲੇ ਥਾਉ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਝ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਈਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ? ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੀ ਤਗੀਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰੱਬ? ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਓਨਾ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਓ ਹੈ, ਚਰਨ ਚਿਤਵ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਨ ਨਾ ਕਤਹੂੰ ਜਾਹੇ,
जे तेनू प्रेम का स्वाद आया, जे तू प्रेम का स्वाद मानना चाहता, जे तेनू प्रेम का रस चखण दे लई अंदरों भावना है, ते वाहिगुरु दे नाम सिमरन रूपी चरण चितव उस दे नाम नाल प्यार कर ले। मैं बेनती कर लगा इस प्रेम की भरभाषा नू एक थावे ना रोक देना। अकेला वाहिगुरु वाहिगुरु कर देवे पर दूजिया नाल नफरत करे, ईरखा करे, हंकार विच भरिया होवे, ना ना ये प्रेम की परिभाषा नहीं है, बल्कि तू नाम नाल प्यार कीता है, तू वाहिगुरु नाल प्यार कीता है, मेरे वाहिगुरु जी जिथे जिथे रहिंदे ने तू उन्हां नाल भी प्यार कीता है। फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माहे, मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई ना है, तू प्रेम दा पुजारी बन जा, ओ तेरे प्रेम दा प्रवाह। मैं बेनती कर दिया एक थावे ना रुक जाए, जेड़ा पानी एक थावे रुक जाता है वह पानी बदबू मारद, उस पानी विच कीड़े पै जाते हैं, वह पानी काला हो जाता है, वह पानी वरतन के काबल नहीं रहा, उसनु छप्पड़ कहते हैं, ध्यान च रख लेना। तो जेड़ा पानी वगदा रहा नदी बन के वगदा रहा वह पानी पवित्र रहा, वह पानी दूर तक कईयां दी प्यास बुझाता है, वह दूर तक कईयां खेतियां नू सिंझ दिंदा है, वह पानी पीने के काबल रहा, वह पानी खेती लगा दे, वह पानी मैं बेनती कर दिया शरीरक वरतों दे, वह पानी हर तरह नाल पानी पानी की हैसियत विच रहिंदा है। जेड़ा प्रेम एक थावे रुक जाता है परिवार नाल ते बड़ी प्रीत है पर दूजियां नाल नहीं है, उसनू प्रेम नहीं कहिंदे, उसनू मोह कहिंदे ने, वो मोह चिक्कड़ है, इस करके साहब कहिंदे ने मोह चीकड़ फाथे पर प्रेम निर्मल जल है। प्रेम नदी की वहिंदी धार है, वो अपने परिवार नाल ही नहीं, वो गुआंढियां नाल भी है, वो महल्ले विच भी है, वो शहर विच भी है, वो अपने प्रदेश विच भी है, वो अपने देश विच भी है, वो विदेश विच भी है, वो तमाम लुकाई दे नाल एक प्रेम दा सागर ठाठा मारदा और सब नाल ऐसा वो प्रेम दा जीवन बतीत करदा। जरा एक गल ध्यान च रखियो, मैनू भाई गुरदास साहब जी दे कुछ बोल चेते विच आए, कह लगे मैं दुनिया दे लोगां नू वेखिया है, अपना काका होवे उस नाल ते बड़ा प्यार है, अपनो सुवन जैसे लागत प्यारो जी, वैसो ही जानिया सकल संसार को, अपना काका रंगदा होवे काला, नक होवे उसदा फिन्ना, ध्यान च रख लेना, बुल होन मोटे मोटे ते दंद होन वड्डे वड्डे, ते लगदा है हाँ मेरा लाल आ गया, मेरा चन्न आ गया, वो मेरा हीरा, ध्यान च रख लियो। ते गुआंढी दा काका किड्डा भी खूबसूरत होवे, चल नली चो चल, किधर मुँह चुकी होंदे, चल बाहर निकल, ध्यान च रख लेना। वो भलिया तू किहड़े प्यार दी गल करदा है, ना ना जिवें तैनू अपना पुत्र प्यारा लगदा है, अपनो सुवन जैसे लागत प्यारो जी, वैसो ही जानिए सकल संसार को, ओ भलिया तू ऐसे प्रेम विच भर जा, तैनू गुआंढी दा पुत्र ओना ही प्यारा लगे जिन्ना अपना लगदा है, तैनू जिवें अपना भरा प्यारा लगदा है, दूजियां नू भी जान ये सब मेरे भाई ने, ये सच है। जिस दिन प्यार दी परिभाषा सिख ली उस दिन सारियां विच रब वेख के प्यार किया, व्यक्तिगत प्यार नहीं, वस्तुकृत प्यार नहीं, उत्थे ते रब जान के सब दे नाल प्रीत विच भरिया। वो मैं बेनती करा पहला प्यार गुरु के सिख दा गुरु दी रहत मर्यादा तो आरंभ हुंदा, पहला प्यार अमृत वेले नाल जुड़दा, पहला प्यार खंडे बाटे दी अमृत पौहल नाल जुड़दा, पहला प्यार नाम सिमरन नाल जुड़दा, पहला प्यार बाणी दे नितनेम नाल जुड़दा, पहला प्यार गुरु की संगत नाल जुड़दा, पहला प्यार धर्म दे मार्ग दी सेवा नाल जुड़दा। उस तो फिर अगे ये प्यार इतना अगां वधदा, उस नूं जो दिसदा उस विच वाहिगुरु दिसदा, ते जे वाहिगुरु मेरा सामने खलोता होवे ते मैं प्यार ना करा भला ऐसा फिर की होया प्रेमी दी दशा दा हाल। इते जिन्हां नूं प्यार करना आ गया ये सच है रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, ध्यान च रख लेना, अपने मालक दे खुदा दे इश्क विच रत्ते होए ने, प्यार विच भिजे होए ने, आशक ये ना आखी है जे लेखा वरता सोए, ध्यान च रख लेना, कादा आशक होया
रब नाल भी हिसाब करता रहा, चंगा चंगा कर मन्ने, मंदा मंदी सोए, आशक ए ना आखी है जे लेखे विच वरते हिसाब विच वरते, जे ते चंगा हो गया मन मर्जी दा हो गया ते फिर ते आख्या हा हा आ रब ने बहुत चंगा कीता, ते जे भला अपने कर्मा दा फल कोई चंगा ना आया, कोई दुख आ गया ते फिर कहिंदे आ की कीता रब ने साडे नाल। हजूर कहिंदे ने तू रब दा भला आशक है, इनू आशक नहीं कहिंदे, इह ते हिसाब दी दुनिया है, तू बाहर किसे नाल प्यार करे ते नाल हिसाब करे, ये दो गल्लां तेरियां कादियां होईयां। इस करके मेरे साहब कहिंदे ने तू रब दी रजा विच रब नाल प्यार कर, सुख देवे तद भी रब नाल प्यार कर, दुख आवे तद भी रब नाल प्यार कर, जे सुख दे तां तुझे अराधी दुख भी तुझे त्याई, जे अपना परिवार नजर आए ते तां भी रब समझ, जे दूजियां दे परिवार नजर आवन ते तद भी रब समझ। ये सच है, ऐसे प्यार विच भरिया होया बस रब नू हर थां देखदा है। मैं एक छोटी जी बेनती कर दिया, रब नाल प्यार करन वालेओ रब दे घर दा टिकाणा समझ लैना भी रब कित्थे रहिंदा है। अगर रब दे एड्रैस दा पता है ते जरूर उथों तक जावांगे ते प्यार भी जरूर पै जाएगा। मेरे साहब जो अगले सवैये विच समझांदे ने ना, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਕਾਹੂ ਲਿਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿੰਗ ਗਲੇ ਲਟਕਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਦਸਵੇਂ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹਾਂ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਖਿਆ ਰੱਬ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਵਾਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਦੱਖਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਈਸਟ, ਵੈਸਟ, ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਚੀਚੀ, ਅਵਾਚੀ, ਪ੍ਰੀਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਚੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੀਚੀ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਚੀ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਚੀਚੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਚੀਚੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਵਾਚੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲਹਿੰਦਾ, ਪਹਾੜ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਕ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਦੁਆਰਕਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਕਾ ਵਾਸੀ ਦੇ ਪੂਜਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਜਦਾ ਉਧਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਲਿਖੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਜਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ? ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਜਾ, ਆਪਣੇ
अखां दे निकलते देखन वाले रूप दे भाव दे पिछे चला जा, पिछे केड़ी जोत है जेड़ी अखां विच आके देखदी है। ए नित्र हो मेरियो हर तुम मैं जोत तरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। अपने कन्ना विच बैठ के पिछे चले जाना, वो केड़ी श्रोत है जो कन्ना विच बैठ के सुनती है, नासका विच वो केड़ी शक्ति है जो सुंगन दा काम करती है। जदों तमाम शरीर ते ज्ञान इंद्रिये कर्म इंद्रिये ते चलदे पंज किस्म दे प्राण प्राण अपान उदान व्यान ते समान नू वो केड़ी शक्ति हरकत दे रही है। मैं बेनती कर दिया अपने विच पहला खोजिया, दिल में खोज फिर की कीता, दिल है दिल खोजो फिर सारियां दे दिलां विच कौन बैठा है। बस ओ दिलां का मालक करे हाक, जिस दिन अंदर दी सुरत विच ए पता चल गया भी तमाम लुकाई विच मेरा रब रहिंदा है। बस दिल में खोज दिल है दिल खोजो, यही ठौर मुकामा मेरे रब दे रहन दा ए घर है। ना ओ दखन विच ही रहिंदा ना ओ पछम विच रहिंदा, पछम विच मनन वाले दखन विच नहीं मनदे ते दखन विच मनन वाले पछम विच नहीं मनदे। कि रब एक दिशा विच रहिंदा कि रब दसो दिशा विच रहिंदा। दस दिस खोजत मैं फिरयो, जत देखो तत सोए। मैं जिथे वेखिया उथे मेरा वाहगुरु हर थां ते है। को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायो। कोई बुत बना के पूजा प्या करदा, कोई कबरां बना के पूजा प्या करदा। मृतान मृतु होए होए मुर्दा होए होए तन नूं जिस धरती विच दबा दिता, जां जिस धरती विच मुर्दे दी खाक लिया के दबा दिती, उपर बुत बना के उपर कोई कबर बना के रब करके पूजन लग पे। दादू जी भी इस गल दी गवाही भर गए, कहन लगे मैं दुनिया बौली देखी। कहन लगे क्यों? कहन लगे दादू दुनिया बांवरी मड़िया पूजन ऊत, ओए मौत के मारे मर गए उनसे मांगे पूत। हैं उन्हां कोलो पुत्र मंग दे, उन्हां कोलो मन मुराद मंग दे। ओ सतगुर जागता है देओ, आ अपने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शरण विच इन्हां कोलो रब दा पता लै। अंदर दी सुरत विच वाहिगुरु वाहिगुरु जप, अकाल पुरख दा आराधन करके कर अरदास, वेख रब हाजर नाजर है कि नहीं। कि हाजरा हजूर है कि जाहरा जहूर है, वो ते है हजूर कत दूर बतावो, किथे दूर दसते हो। वो ते कोल है वो पास है, पर तू उस दे पास ने तू किधरे होर चला गया। तन वांडी की कहंदे आ, बंदा वांडे गया घर नहीं है, ये शब्द है पिंडां दा, वांडे गया। हजूर कहन लगे जेडी तन जीव रूपी इस्त्री ओ ते अपने इस शरीरक ते परमेश्वर दे भाव तो दूर दुनिया दे पदार्थां दी रसक बन के वांडे चली गई है। तन वांडी फिर देश, फिर है अपने देश विच, फिर है अपने कोल, ओ है अपने घर, ते तन ओ चली गई वांडे, ते रब दा मिलाप किवें होवेगा। तन वांडी फिर देश नित चूरे समाले, मिलदिया ढिल ना होवी जे नीयत रास करे। इस करके मेरे साहब कहन लगे किसे ने रब नू बुत विच समझ पूजिया, किसे ने रब नू कबरां विच जान के उथे पूजिया, पर कूर किरिया उरज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। ए कूर किरिया है, ए झूठे काम ने, किरिया दे अर्थ ने कम, धर्म दे अहौती कम। ये जेड़ी धार्मिक किरिया विच अज संसार लग गया, हजूर कहन लगे तेरा समा व्यर्थ, उत्थे तेरी पूजा कीती व्यर्थ, उधर तेरे कदम उठाए व्यर्थ, तू क्यों कूड़ किरिया विच उलझ गया है। श्री भगवान को भेद ना पायो। ओ अति सत्कार योग सरमान योग वाहिगुरु भगवान जो सब दे भाग बनाउन वाला, जो सब दी जिंदगी दी तकदीर घड़न वाला, उस दा तू राज नहीं समझिया, उस दा तू भेद ही नहीं पाया। आओ दसम पातशाह जी दा एक प्रमाणिक सवैया होर ध्यान च लईए।
हजूर कह लगे आओ मैं तुहानू रब का पता दसदा वह कित्थे रहिंदा जीवन मैं जल मैं थल मैं पल ही पल मैं वह तमाम संसार विच जीवन मैं जल मैं थल मैं सब रूपन मैं सब भूपन माही सूरज मैं शश मैं नभ मैं जहें पेखो तहां चित लाए तहां ही पावक मैं और पौन हूँ मैं सो पृथ्वी तल मैं कहां जह नाही व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। वो भलिया वो ते सारे जीवां दे अंदर वो जल विच वो थल कहीए धरती विच वो सब रूपां विच वो सब भूपां कहीए सारे राजियां विच वो मंगतियां विच भी ध्यान च रख लेना पावक विच भी अग विच भी पौन कहीए हवा विच भी और पृथ्वी विच भी आकाश विच भी वो केड़ी थां है जिथे मैं आखां के रब नहीं है। हजूर कह लगे उस परमेश्वर नूं किसे एक थावे ना मन के उस नूं तमाम ब्रह्मांड विच जान के उस नाल प्यार कर लेना समझ लेना रब मिल जाएगा। मैं एक बेनती करा जिंदगी विच अगर प्रेम रस सुक गया ते हालत यह है जिवें दरखत लगा ते धरती ते होया जड़ ते नाल लगी है पर स्योंक खा गई है जड़ नूं ओ ना धरती तो रस खिच सके ते ना उस दरखत दा एक एक पत्ता रसदायक रह सके। दरखत तो सुक गया अज दरखत तो सुक जाए पर लगा होवे जमीन नाल ए मनुखी लुकाई दी उन्हां दी दशा खा ते रहे ने पैन रहे ने चल फिर रहे ने चेतन सत्ता नाल जुड़े होए ने पर अफसोस है कि अंदरों नाम रस सुक गया है अंदरों प्रेम रस सुक गया है ज्ञान रस तो सखने हो गए ने विराग रस अंदर नहीं रह गया। मेरे साहब कहंदे ने आ गुरु दी शरण विच आ इत्थों तैनू शिंगार रस हास रस करुणा रस वीर रस विभत्स रस अद्भुत रस शांत रस ते तेरी जिंदगी विच गुरु रहमत करके रुद्र रस ते भयानक रस ये नौ रसां दा ऐसा मुजस्मा भर जाए कि तेरा अंदरला आपा तू बाहरों तमाम संसार विच अपनी जिंदगी रसदायक बना ले। ते रहीम जी एक गल लिख गए कह लगे रहमन खोजो ऊख मैं जहां रसन की खान जहां गांठ तह रस नहीं प्रीत रीत पहचान। आ मैं तेनू प्यार दी एक गाथा दसा कह लगे गन्ने वाल वेखियो लगा धरती नाल ओ रस खिचदा जांदा पहली गल ते ए गन्ना होवे ते बकबकी मिट्टी विचों भी मिठास पैदा कर सकदा है बीज गन्ने दा चाहिदा है ना जे कड़वी निम होवेगी लगी ते ओ भी धरती ते है रस ते ओ भी उसे धरती तो खिच रही है पर अपना बीज कौड़ा है इस करके टाणी टाणी पत्ता पत्ता फुल ते फल सब कौड़े दे कौड़े ने जिन्हां दी जिंदगी मनमुखता दी है जो रब नूं भुल गए जो गुरु तो टुट गए जी ते ओह भी संसार ते रहे ने जड़ ते उन्हां दी भी लगी है पर कुड़त्तन भरी है बोलां विच कुड़त्तन विचार विच कुड़त्तन कदी लड़नगे कदी ईरखा करनगे कदी झगड़नगे वैर विच रहनगे विरोध विच रहनगे उन्हां अंदरों जे प्यार लभना होवे ते कौड़ी भी नहीं लभदा। ये सच है अगर जिंदगी गन्ने वर्गी है उसे धरती चों रस को गांडो चूसी है हजूर बाणी च लिखदे ने रस को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए अवगन यारे मानसै भलो न कह है कोई। लोग मिठा गन्ना चूपदे ने उस विचों रस लभदा है ते एक मैं बेनती कर दिया गन्ने वर्गा ही होवे वांस भला उस विचों रस मिलेगा। एक गन्ने विचों होर गल खोजियो रहीम जी कहंदे ने मैं गन्ना वेख्या धरती ते लगा रस खिचदा सी पोरी विच रस भरिया सी जिथे गंढ आ गई फोकी दी फोकी रह गई लोगां कट के ओ परां बाहर मारी भी इस विच रस नहीं ओ पैरां विच रुलदी है गन्ने दी पोरी गंढ जिथे रस नहीं है जेड़ा मिठास वाला है ओ मालक दे मुखड़े ना लगे होठां ना लगे ओ रस दे रिहा है। ए भलिया रहमन खोजो ऊख मैं जहां रसन की खान जहां गांठ तै रस नहीं प्रीत रीत पहचान। ते कमाल दी गल ते ए है भी पहली पौरी तो जदों दूजी पौरी विच रस गया
लंघ के गंढ विचों ही गया पर आप सखनी दी सखनी रह गई। अगली पौरी विच फिर गया, फिर अगली गंढ विचों लंघिया पर गंढ वह भी सखनी दी सखनी रह गई। जे रब नालों टुटै ते गंढ वर्गै फिर तेरे अंदर प्यार नहीं लभेगा, नफरत ते लभेगी, लड़ाई झगड़ा ते लभेगा, काम क्रोध ते लभणगे, ईरखा द्वेष ते लभणगे, दूसरियां दे नाल इतनी नफरत भरी जिंदगी बतीत करेगा, भला रब नजर आंदा इस बंदे नूं। इस करके मेरे साहब कहंदे ने उस भगवान दा, उस वाहिगुरु दा भेद जान भी ओ किवें तमाम संसार दे विच एक रस एक सारता दे नाल इस संसार नूं खिलारी खलोता है। आ कदी तू गन्ने नाल जुड़ जा, भाई साहब जी दा, भाई गुरदास साहब जी दा एक कथन, गन्ना कोलू पीड़ी है रस दे दरहाला, कोई करे गुड़ भेलियां को शक्कर वाला, कोई खंड सवारदा मक्खन मसाला, होवे मिश्री कला कंद मठियाई ढाला, आपे आप वरतदा गुरमुख निहाला। ओ रब नू तू समझ एक गन्ने दा रस कढ़िया ध्यान च रख लेना, रौ पीती ओ भी मिठी, एक ने शक्कर बना के खाधी वह भी मिठी, किसी ने गुड़ बना के खा लिया वह भी मिठा, किसी ने खंड बना के खा ली वह भी मिठी, किसी ने कला कंद बना ली वह भी मिठी, किसी ने मक्खन विच पा के खंड खा ली, भाई साहब जी कहते ने वह भी मिठी। वह भलिया एक गन्ने का रस एक गन्ने की मिठास वह भावें वक्रे वक्रे किसी रूप में हो अपनी मिठास वंडदी जाती है। तू गुरु की संगत विच बैठा होवे उत्थे भी तेरे अंदरों प्यार दी मिठास निकले, तू परिवार विच रहिंदा होवे, तू व्यापारी नाल गल करदा होवे, तेरे अंदरों रब्बी प्यार दे प्रेम दे रस दी गल निकलदी होवे, फिर है तेनू प्यार विच जीना आ गया, फिर है तेनू गन्ने वर्गा बनना आ गया। भाई साहब जी कहिंदे ने जिवें गन्ना वह सारियां थावां ते आप वरतदा, भावें रस होवे गुड़ होवे शक्कर होवे खंड होवे मिश्री होवे कला कंद होवे, जिवें सारियां विच गन्ना आप वरतदा तिवें तमाम लुकाई विच मेरा वाहिगुरु आप वे वरतदा है। पर उस वाहिगुरु नूं हर थां ते वेख के उस दे रस नूं मानना वह गुरमुख दा कम है। आपे आप वरतदा गुरमुख निहाला, भलिया फिर जिसनूं वेखेगा उसनूं वेख के वह भी चंगा लगेगा ते तेरा अपना आपा भी रस विच भरिया रहेगा। ये दाते दी रहमत नाल जिन्हां नूं प्यार विच प्रेम विच जीना आ गया, मैं बेनती करां वो अपनी अकल दे नाल परख दे नहीं भी ये होर है ये होर है वो ये साध है ये चोर है, बल्कि उस दे अंदर अपने जीवन दी अवस्था विच बस चींटी हो या हाथी हो, जरा ध्यान च रख लेना, वो वड्डा नज़र ना आए वो छोटी नज़र ना आए, एकर कुंचर चींटी ए भाजन ने ए बर्तन ने ते नाना तरह दे मेरे करते ने बनाए ने, एकल माटी कुंचर चीटी भाजन है बो नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। ये ओ पंक्तियां ने सभै घट राम बोले सभै घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे, सभै घट राम बोले रामा बोले, सब घट विच मेरा वाहिगुरु बोलता, चाहे कीड़ी चाहे हाथी चाहे चिड़ी चाहे कां चाहे मच्छी चाहे मृग, जो बोलत हैं मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर, नानक जन हर कीरत गाई छूट गयो जम का सब शोर, भाषा विच ही फरके बोलदा ते मेरा रब ही अंदर बैठा है। सरमद फकीर नू औरंगजेब ने कतल दा हुक्म सुना दिता, ध्यान च रख लेना, चूंके सच की आवाज कढ़दा सी औरंगजेब दे जुल्म नू नशर करदा सी ते मना करदा सी एक दिन रब दे घर तेरा खाता खुल जाना है गुनाहां दा ना गुनाह कर, पर औरंगजेब ने
इस सरमद फकीर नू यह सोचिया भी इन्हू चुप ते नहीं मैं करा सकिया, पर इनकी आवाज बंद करन दा इक्को ही राय, इन्हू कतल करा दो। हुक्म दे दिता सरमद फकीर नू कतल कर दे। हुण सरमद फकीर नू कतल करन वास्ते जलाद आ गया, हुण हथ विच टोका लैके आ गया। सरमद फकीर नू कहन लगा, औरंगजेब दा हुक्म आ गया, मैं तैनू कतल कर लगा, अपना मन हुण बना लै, तैयार हो जा। ते सरमद फकीर खिड़खड़ा के हसया, कोल थोड़ी जी मिश्री पई सी ओ कढ़ी, ते जलाद वल इशारा करके हसदे हसदा कहिंदा वी खा लै, लै लै प्रवान कर लै। ओ कहिंदा मिश्री दी गल की करदा, भला मैं तेरी मिश्री खा के तैनू कतल नहीं करांगा, तू इह समझदा होएगा मैं तैनू कतल करना है। ए मिश्री दी गल छड़, तैयार हो। ते सरमद फकीर फिर खिड़खड़ा के हसया, ते कहन लगा, ओ मेरा अल्लाह ताला, ऐ मेरे खुदा, तू जेड़ा बाना भेस बना के मर्जी आ जा, मैं तैनू पहचान लिया, तू मेरा अल्लाह ही आया है। उन्होंने मौत भी मौत नहीं दिसदी, उन्होंने जलाद भी जलाद नहीं दिसदा। अंदर दी चेतना विच जिस दिन ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कश भरम, बस उस अवस्था विच डुबे होए, उस अवस्था विच रहन वाले बस ऐसे प्रेम विच भर जांदे ने भी सब थां ते वाहिगुरु वाहिगुरु वेखदे आ, बस अपना जीवन वाहिगुरु दी प्रीत विच बतीत करदे ने। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने उन्होंने रब पा लिया, वह अकल की कसौटी ते नहीं परखदे, वह गुरु वल्लों मिले हुए ज्ञान नूं प्रेम विच ढाल के परखदे। अकल की कहिंदी है, एक अदीब लिखदा है, अकल कहे सियाना हो, अकल कहे सियाना हो, अरे प्रेम कहे दीवाना हो, अकल कहे किश मैल पवाई है, प्रेम कहे सब खाक रुलाई है, अकल कहे ए धियां पूत, प्रेम कहे सब झूठो झूठ, अकल गावदी अपने गीत, प्रेम गावदा हर के गीत। बस जिस दिन प्रेम विच भर गया, उस प्रेम विच भरे होए दी जदों रसना तो भिजे हुए बोल निकलते ने, मगन भयो प्रिया प्रेम स्यो, सूद ना सिमरत अंग, प्रगट भयो सब लो मैं, नानक अधम पतंग। मेरे गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे ने, रब्बी प्यार विच मैं मगन होया नू देखिया, भिजिया होया देखिया, ऐ रस विच भिजे होए ने, ऐसे मगन हो गए, ऐसे मस्त हो गए, कहन लगे मैं जिवें वेखिया एक छोटा जिहा पतंगा, वो एक घटिया जिहा पतंगा, अधम पतंग है ते छोटा जिहा सी, घटिया जिहा सी, पर सारी दुनिया ते मशहूर भला क्यों हो गया? चूंके उसने जिस दीपक नाल प्यार कीता, उस दीपक दे नाल प्यार करन वाला पतंगा दीपक दा आशक हो के उसकी भेट चढ़ गया, ते सारी दुनिया विच मशहूर हो गया। ऐ भलिओ रब नाल प्यार करदिआं, उस नाल इश्क करदिआं, जिस दिन वाहिगुरु दे समर्पित हो गए, उस दिन सारी दुनिया ते साडी भी गल हो गई। तो मगन भयो प्रिया प्रेम स्यो, सूद ना सिमरत अंग, प्रगट भयो सब लो मैं, नानक अधम पतंग। तू इंज रब दे प्यार विच भर जा, इंज रब दी प्रीत नाल अपने जीवन दा नाता जोड़ लै। हजूर कहन लगे, ये है रब दे मिलन दा असली ठिकाना, होर किसे अखौती कर्म कांड विच फस के एवें छोटा छोटा कोई व्यापक प्रभु नू एक सरगुण रूप विच थोड़ी जी थां ते ना देखी। मैं बेनती कर लगा, कई कहिंदे जी ये ते सरगुण रूप परमात्मा है, मेरे साहब कहिंदे ने सरगुण रूप विच वेखना होवे ते रजगुण विच भी आप, तमगुण विच भी आप, सतगुण विच भी आप, नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे, ध्यान च रख लेना, ऐ रजो गुण प्रभु इन्हों विच भी आप ही वरतदा, तेनू नमस्कार, तेनू मत्था टेकिया। तू सतो गुण वाली रचना विच भी आप वरतदा, तेनू नमस्कार, तू तमो गुण विच भी आप वरतदा, तेनू नमस्कार। ए तमाम रचना सरगुण रूप परमात्मा ही है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, ए है निर्गुण सरगुण निरंकार, सुन समाधि आप, बस तमाम लुकाई विच वाहिगुरु नू वेख के फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसै रब माहे, मंदा किसनों आखिया जां तिस बिन कोई नाहे। बस ऐसे प्रेम विच परे होए
उस वाहगुरु नू प्राप्त कर लेंदे ने। समझ सोच लै तू मन मेरे प्रेमी हो सुख सोना क्या आखे मैं रब दा प्रेमी आ ते दिन चढ़दे तक सुत्ता रहे तू कहदा रब दा प्रेमी तेनू रब दा अगर प्यार है जाग सारी रात सौन नाल ते प्यार पाया है ही अमृत वेले नितनेम नाल प्यार पा लै अमृत वेले मार चौंकड़ा बैठ जा आ जा ध्यान विच रसना बोले वाहिगुरु 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 अमृत वेले तेरा अमृत वेले नाल प्यार तेरा नाम सिमरन नाल प्यार बड़े प्यार विच भर के तू बाणी दा नितनेम आरंभ कर ले आखे मैं रब नाल गल कर ली मैं रब दी बख्शिश कीती होई अमृत बाणी नू रसना तो बोल के अमृत पैदा कर रहा अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे ऐ भलिया तू अपने जीवन विच अमृत वेले नाल प्यार नितनेम नाल प्यार सिमरन नाल प्यार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संगत नाल प्यार गुरु घर दी सेवा नाल प्यार मैं आरंभ विच बेनती जिवें कीती सी पहला प्यार धर्म दी दुनिया विच इतना दृढ़ हो जाए बस जपदियां जपदियां तमाम खलक ते लुकाई नाल भी तू इस प्यार दे सागर नू ऐसा विशाल कर लेवें भी तेरा वो प्यार वेख के वाहिगुरु जी आप तेरे हिरदे विच प्रगट हो के तेरा ते वाहिगुरु दा भेद ना रह दे ये साहिब दी रहमत होवे आओ साहिब दी असीस प्राप्त करदे आं जिथे अमृत वेले एक असी अमृत बाणी दे जप करदे आं ये ता प्रसाद सवैये दा जप करना उथे असी इस बाणी तो सेध लै के अपने जीवन विच ना ते अखौती कर्म कांडा वल दौड़ना ना असी कोई पखंड करके अखां बंद आदक दे साधन अपनाने ने ना किसे होर संसारक मोह ममता नाल जुड़ के रब नूं भुलना विराग विच भी रहना पर धर्म दा कोई पखंड कदम नहीं उठाना इको एक अकाल पुरख वाहिगुरु दे पूजक बनना पूजा अकाल की परचा शब्द का दीदार खालसे का दे मार्ग दे पांधी बनना ताकि शब्द गुरु दी बरकत नाल ते दसम पातशाह जी द्वारा दर्शाई पूर्ण रहत मर्यादा नाल अपना जीवन जोड़ के अपने जीवन नू आनंदित बनाइए ताकि इस जीवन विच परम आनंद प्राप्त होवे मनुखा जन्म दा फर्ज भी ओ सफला हो सके जी। कलगीधर दशमेश पातशाह जी वल्लों रहमत भरी उन्हां बख्शिश करके जो बाणी दा उपदेश तमाम लुकाई प्रति दिता है सारे संसार नू सूचना दिती है अगर एक जड़ नू पूज लेवोगे ते समझ लेना मूल नाल जुड़े होए तमाम पत्ते ते टानियां दे नाल भी संबंध जोड़ी रखोगे पर जे दरखत दा मूल छड़ दिता ते पत्ते पत्ते ते पानी पौन लग पए दरखत हरिया भरिया नहीं रहना उस तो फुल ते फल नहीं झोली विच पैना इस करके तमाम ब्रह्मांड दा एक मूल है कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाल नित सार संभाल एक गुणनी मूर्ख जाता रे ऐ भलिया उस वाहिगुरु दे नाल जुड़ जा उस नाल जुड़े हुए नू सारे सुख चोली विच पैणगे जिवें अज दे इस अस्थान तो आए पावन हुक्म विच धन गुरु रामदास पातशाह जी ने बख्शिश कीती है इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तीना सो ऐसा हर त्याइए मेरे जीअड़े तां सर्व सुख पावें मेरे मना वाहिगुरु दी रहमत होवे इच्छा पूर्वक वाहिगुरु जी नाल जुड़ जाइए उस नाल प्यार करिए समझ लेना ये प्रेम ही प्रभु पावन दा राह है प्रभु मिल जाए ते सारे सुख चोरी विच पै जांदे ने जी। इन्हां अखरां नाल मैं कोटान कोट धन्नवाद सब तो प्रथम जिन्हां नूं गुर सिंघासन ते बिठा के कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने आप मत्था टेकिया ते सारी लुकाई नूं हुक्म कीता भी सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी नू मैं कोटान कोट प्रणाम करदियां धन सतगुरां दा मैं कोटान कोट धन्नवाद करदा जिन्हां दी रहमत नाल जह सतगुर
ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਆਈ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਐਗਜ਼ੈਮੀਨਰ ਨਾ ਬਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੁੜਿਓ ਬਲਕਿ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਦਾਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਨ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਨ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਈਆ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਦਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।